प्राची है दुर्ग से। प्राची पूछिए। मुझे ये पूछना था कि मैं कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आई थी, लेकिन उसके दो दिन बाद ही मुझे माइल्ड फीवर आया, फिर ठीक हो गया था। तो क्या मुझे टेस्ट कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, एंटीजन या आरटीपीसीआर? डॉक्टर दीपक, आरटीपीसीआर आपको करवाना चाहिए और वो सबसे बेहतर होगा इस समय। हालांकि इस बारे में डॉक्टर प्रभात का कहना यह है कि पहले आप रैपिड एंटीजन कराएं, और उसमें अगर आप नेगेटिव आते हैं लेकिन आपको लक्षण हैं तो आप आरटीपीसीआर की तरफ जाएं। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक मिश्रा। हालांकि ये बात भी सही है कि आरटीपीसीआर ही अभी तक सबसे ज्यादा कंफर्म करने वाला टेस्ट है, रैपिड एंटीजन में चांसेस रह जाते हैं। पूछिए दीपक। अब ये एक सवाल है, डॉक्टर दीपक ने जैसा कहा कि आरटीपीसीआर जरूर कराएं, और सही बात तो यही है कि वही इस समय मौजूदा एक ऐसा टेस्ट है जो आपको सबसे कम मार्जिन ऑफ एरर के साथ बता देता है कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। लेकिन डॉक्टर प्रभात ये कहते हैं कि पहले आप डॉक्टर प्रभात जब हाई इंसिडेंस है, किसी भी डिजीज की इंसिडेंस हाई है, उसी टाइम में रैपिड एंटीजन की यूटिलिटी है। तो अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा ऐसे पेशेंट्स को कैच कर लेने में जो सिम्टोमेटिक हैं और एक्यूट फेज में हैं, तो उनमें से वो 30-40-50% तक के पेशेंट्स को कैच कर लेगा। right. लेकिन यदि जिस समय बीच में पेशेंट्स घट गए थे आपके, उस समय रैपिड एंटीजन टेस्ट की उपयोगिता कम थी, क्योंकि जब प्रिवलेंस कम हो किसी डिजीज का तो हाई सेंसिटिविटी हाई स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, तो उस समय आरटीपीसीआर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए रैपिड एंटीजन ऑलवेज इज द बेस्ट, फर्स्ट डू दैट विल डिक्रीज द लोड ऑफ द आरटीपीसीआर, क्योंकि आरटीपीसीआर पे आपके ऑलरेडी इतने लोड बढ़े हैं। सिस्टम का भी ख्याल रखना है कि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, इसलिए भी डॉक्टर प्रभात ये बात कह रहे हैं। राजेश हमारे एक कॉलर हैं, हेमंत माफ कीजिए, झारखंड से। हेमंत पूछिए। जी सर। हाँ क्विकली पूछिए हेमंत जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई एसनोफिलिया का पेशेंट है, उसे खट्टा से अगर दिक्कत है, तो वो फिर कैसे विटामिन सी का सेवन करे सर? डॉक्टर हरमिंदर, क्या सवाल है? मेरे को पूरा क्लियर नहीं हुआ, किस चीज का सेवन करने के लिए पूछ रहे हैं? एसनोफिलिक है ये। हाँ हेमंत पूछिए, आप खुद पूछिए। तो फिर वो कैसे आंवला का सेवन करे, या फिर आंवला जूस, या फिर विटामिन सी का सर? इस्नोफिलिया का कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जैसे आप बता रहे हैं आंवला वगैरह से, उसका कॉज ढूंढना चाहिए। आमतौर पे बहुत कोई एलर्जिक डिजीजेस अगर हैं या कोई पेट में कीड़े वगैरह हैं, तब इस्नोफिलिया माइल्डली इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इस्नोफिलिया अगर बहुत ज्यादा है तो लंग डिजीजेस बोलते हैं वो दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और इस्नोफिलिया का कारण ढूंढ के उसका उपचार करें। और अगर ऐसे जनरल चीजें जैसे आंवला वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, पर मुझे लगता है कारण ढूंढना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।